पर नहीं जाना, अभी जमीन पे रहना। अभी बात कर रहे हैं, परशुराम भगवान की जन्म स्थल है। नया मंदिर बनाया गया है और ये वो कुंड है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी इसको कहा जाता है। देश के सारे तीर्थ कर लो आप और यहाँ नहीं आओ तो तीर्थ नहीं लगता, तो तीर्थ पूरा नहीं होता। मतलब अभी तो सब तीर्थ से पाव भर बड़ा है, जाना पाव बोल। बोर्ड देख के आप समझ ही रहे होंगे मैं इस वक्त कहाँ पहुँच गया हूँ। इंदौर से थोड़ी दूरी पर माऊ से आगे ये जाना पाओ एक जगह है, तो इस वक्त हम जा रहे हैं जाना पाओ हिल। और जाना पाओ पीठ वहाँ पर एक जगह है, एक मंदिर है वहाँ पर भगवान परशुराम का। तो ऊपर जाना पाओ हिल के ऊपर जाने के लिए यहाँ से ज़्यादा कोई व्हीकल्स नहीं है यहाँ पर, या तो पैदल जा सकते हैं या एक पर्सनल ऑटो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो बिल्कुल सुनसान सड़कें हैं यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं, दूर दूर हैं, काफ़ी स्पेशियस जगह है। आसपास में सब ग्रीनरी है और कुछ नहीं। विंध्याचल की पहाड़ियाँ ऊपर नहीं जाना, अभी जमीन पे रहना। नहीं ऊपर नहीं मतलब दिल्ली से हूँ। अच्छी बात आया, तो स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसलिए पूछ रहे थे अगर आप उस साइड जा रहे हैं। जाते हुए गाड़ी जाना पाओ चढ़ती नहीं घाटी में, अच्छा खड़ी हो जाती है। अच्छा, चलने को तकलीफ भी नहीं, कहीं भी अभी चलते खाली। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ये मना कर देती है जाने से। अच्छा। चक्कर ये और कोई तकलीफ नहीं, पेट्रोल की तकलीफ नहीं, कोई समय की तकलीफ नहीं। ये सबसे एक पाव तीर्थ बड़ा है, हर तीर्थ यात्रा से एक पाव बड़ा ही है जाना पाओ। अच्छा, और परशुराम भगवान की जन्म स्थल है यहाँ पर। भैरू बाबा है पावरफुल, इतने डाकन भूत परी जो रहते हैं आते जाते हैं दुनिया में, उनका सुपरवाइजर ही है। अच्छा, यहाँ भूत मेला भरता है, आधे भादवा के भादवा समझते हैं आप, भादवा जो बरसात में बरसात आता है, सम्मास में मेला भरता है, सब आते हैं उसमें। मेला ऊपर ही लगता है, बिल्कुल पेट पे। डामर रोड हो गया पूरा, डामर रोड। अच्छा अच्छा, आपका मेला कब होता है ये? अभी कार्तिकी पूनम गया कल परसों, और खत्म हो गया मतलब ये खत्म हो गया, दो बार भरता मेला यहाँ। अच्छा अच्छा, ये पूनम जो गई ना कल परसों भी, जी जी जी, कार्तिक पूनम सब ये दुकान थी, बहुत काफी दुकान थी। अच्छा, ये 12 महीने ट्रैफिक चलता रहता है। अच्छा, 12 महीने। अच्छा अच्छा, पावरफुल स्थान है, नहाने से ही काम खत्म हो जाता है आदमी का। अच्छा, शुद्धिकरण हो जाता है। तलाई है पानी की, बहुत बड़ी तलाई है। ये लोग वही पानी पीते थे, वही खाते थे, वही नहाते सब करते थे। अब तो क्या पानी ऐसा कुएं से मोटर डाल दिया ऊपर। अच्छा, और चमन कर दिया ऊपर, मंदिर नया बना दिया, परशुराम भगवान का मूर्ति बिठाना खाली। तो जब समय मिलता है जब हम चले जाते हैं, बाकी हमारी ये मना कर देती है। मंदिर कितना पुराना है यहाँ पे? मंदिर तो ये कई काफ़ी हमारे बाप दादा के ज़माने के पहले से है। अच्छा, काफ़ी पुराना। वो जो कुंड है, हाँ, वहाँ से कहते हैं कई कुछ नदियाँ निकलती हैं। 12.5 नदी निकली वहाँ से, 12.5 कारण गंभीर। तो वो पानी तो निकलता हुआ दिखता है? चंबल में ऐसे निकली ना, चंबल निकलती थी। चंबल क्या? चंबल क्या है, वहाँ छोटा निर्माण है, बढ़िया के ऊपर पानी गिरता है, तो वहाँ छोटा निर्माण है। दुनिया बड़ी हो गई सामने आपके रोड के ऊपर, हाईवे पर। क्या ये हाईवे पर रोड लगा है? हाँ, चंबल मैया का। अच्छा, ये ढाका बिलो जब जाओगे आप और बड़ा हो गया पार्ट। यहाँ से नदी कितनी दूर है? ये डीपी डी के सामने, ये रोड पे सामने जरा सी है। अच्छा, रोड के ऊपर ही चंबल, बोर्ड लगा बहुत बड़ा चंबल मैया। चंबल के साथ साथ चलते जाएँ तो ऊपर पहुँच जाएंगे? हाँ नहीं, ये डामर से जाओ ना आप। अच्छा, चंबल अभी बीच में आप फिर मिल जाएगी बम बाबा के यहाँ। अच्छा, बाबा के यहाँ पानी होगा उसमें? हाँ पानी है, बाकी अब जैसे बारिश कम हो जाती ना तो पानी कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ती जाती, आगे तो इतनी बड़ी हो गई कि दिमाग भी नहीं काम करता। हाँ वो तो चंबल आगे दो श्यामगढ़ के पास जगह आप, बहुत बड़ा पार्ट हो गया श्यामगढ़ के पास में। घाटा बलो में देखो ना, घाटा बलो में थोड़ा पार हो गया, आप देखो कहाँ कोई नदी है 20 किलोमीटर दुनिया से, 25 किलोमीटर धार रोड पर। चंबल का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हाईवे पे चंबल मैया का, और जाना पाओ स्थल का बोर्ड आगे भी लगा है, जो जाना पाओ का परशुराम भगवान का जन्म स्थल है। ये युद्ध भी हुआ पहले, छतरी खतरी वाला लफड़ा हुआ, कौन छतरी से बच गया, खतरी से मारो इनको, वो सब कहानी है कि सही बात। बाकी पावरफुल स्थान है। अच्छा, तो 12 महीना पब्लिक बहुत आती है, देखो आप क्या गाड़ी घोड़े से निकल जाता है, आदमी मालूम नहीं पड़ता। बारिशों में मतलब ऊपर तक जाते हैं लोग सब, खूब रोज जाती पब्लिक तो खूब, पार्किंग वार्किंग सब दे रखा, मतलब एक अच्छी व्यवस्था है। हाँ। बाहर से कोई भी आता है, टूरिस्ट आता है तो यहाँ रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाना बना लो आप,
बर्तन ले लो, खाना बना लो, आप फोन करो, आदमी वहाँ है जी, जी खाना बना देगा, पैसे लगाओ खाना बना देगा जी जी। मेन तो व्यवस्था वाली बात है, जैसे मैं ही बाहर से आया हूँ तो मुझे लग रहा था कि वहाँ जाके शाम को वापस आना है, क्योंकि पता नहीं वहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है। अच्छी स्थिति है। अच्छा, आप बोलो भाई हमको रहना बाबा यहाँ पे, हम वहाँ से आया दिल्ली से आया तो आपको रखेंगे। अरे असल तकलीफ नहीं है, गाड़ी चढ़े से डरती खाली बची है। ठीक है, ये चंबल है, ये जोरू वाला है, ये चंबल नहीं है। भैरव बाबा का मंदिर है जनापाव में, और ये चंबल नदी वहाँ ऊपर जनापाव पीठ से निकल के आ रही है। बेसिकली अभी बारिश का सीजन नहीं है इसलिए थोड़ा सूखा हुआ है, बट छोटी इस तरह से नदियाँ निकलती हैं। नहीं वो अंदर अंदर पानी, यहाँ अंदर अंदर जा रहे हैं पानी। परसों ये प्रोग्राम भैरव बाबा का। अच्छा, भैरव जयंती का। अच्छा, जैसे अपन जन्मदिन मनाते ना जी जी, तो जन्मदिन मनाएंगे इनका हिंदी भाषा में। सर ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है एटलीस्ट, तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना हेल्प किया, नहीं तो चल के आते ये पूरा रास्ता। और सर यहाँ बहुत पहले से, मतलब यहाँ पहले यहीं रहते थे और अभी जयपुर जयपुर हैं, अभी जयपुर शिफ्ट हुए हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, ओके थैंक यू। जनापाव में ये परशुराम का नया मंदिर बनाया गया है, बट अभी यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकी है, इस साल होनी थी बोलते हैं, लेकिन शायद अब नेक्स्ट जो भी ओकेजन आएगा, जब भी ऐसा माना जाता है कुछ स्पेशल ओकेजन होगा, जब पूजा वगैरह होगी तो दोबारा इसको स्थापित किया जाएगा और इसको ओपन किया जाएगा। अभी ये मंदिर बंद है, अंदर जा नहीं सकते, लेकिन मे बी शायद नेक्स्ट ईयर तक ये मंदिर स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत मानते हैं यहाँ के लोग भगवान परशुराम को, उनकी मंदिर उनकी मूर्ति स्थापित होने के बाद इस मंदिर को खोल दिया जाएगा सबके लिए पब्लिकली। और ये वो कुंड है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। मालवा रीजन या विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी इसको कहा जाता है। अगर इंदौर आके इस पहाड़ी पे नहीं आए तो बोला जाता है आप कहीं गए। इसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, और ये देख सकते हैं आप दूर तक इस पहाड़ी पे खड़े होकर दूर दूर तक आपको प्लेन से लेके और हर एक चीज़ नज़र आती है। सारी पहाड़ियाँ बाकी इससे छोटी हैं और ये साफ देखा जा सकता है। ये पूरा जंगल है ना, पहाड़ियों पर तो जंगल है ही। ये पूरा जंगल है और यहाँ पे अभी भी आदिवासी रहते हैं, और स्पेशली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ से हटा नहीं सकती है, वो बहुत पहले से रहते आ रहे हैं और इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर अपना रहना और अपना जीवन पूरा व्यतीत कर रहे हैं। और काफी पहले से सेवा में लगे हुए बाबा जी बता रहे हैं। आते जाते रहते हैं, वो क्या बताया भाई, गाड़ी समझ से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठो ना, तो पैदल भी आ जाते हैं, बैठो ना। अरे ऐसा नहीं तो फुवारे गिर रहा है। विंध्याचल पर्वत जंगल में इसी का फर्स्ट है, और जंगल में ऋषि जो सब ऋषियों में से एक है, उनने यहाँ तपस्या की,
परशुराम भगवान जो 24 अवतार में से छठे अवतार यहाँ जन्म थे। तीर्था के आरंभ चम्बल नदी यहाँ से प्रारंभ होती है, चार नदी यहाँ से प्रारंभ होती है, जैसे नखेड़ी, चम्बल, कारण और गंभीर। और साल में दो मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा से और पितृ अमावस में, और सरावण मास में पूरा मेला लगता है। तो ये ब्रह्म कुंड है, कोई भी हवा बाधा प्रीत बाधा जो भी स्नान करके धीरे जी से पूजा करते हैं उनके बाहर बाधा का निवारण मिलता है। जमदग्नेश्वर महादेव उसको जाना पाओ बोलते हैं, ये 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। तीर्थायु के आरंभ में उनका जन्म हुआ सराम राम जी से पहले जी, आज से 20 लाख वर्ष पहले। तो ये जो मेला लगता है हर साल दो बार, ये जो पूजा होती है तो लोग आते हैं वो यहीं इसी परिसर में लगता है? हाँ, इसी परिसर में, पूरा इसी कुंड के आसपास है, यहाँ से पूरा परिसर है। कितने दिन का होता है ये मेला? ये मेला कार्तिक पूर्णमासी का ये 3 दिन का मेला रहता है। अच्छा। और पितृ अमावस का 2 दिन का रहता है। तो उसमें स्नान वगैरह चलता है? स्नान वगैरह चलता है। तो श्रावण मास में पूरा 1 महीना मेला लगा रहता है, हर रविवार और हर सोमवार को मेला ही लगता है। देश के सारे तीर्थ कर लो आप और यहाँ नहीं आओ तो तीर्थ नहीं लगता। तो तीर्थ पूरा नहीं होता, मतलब कहने का, विष्णु भगवान के अवतार है ना, इसलिए वो ऋषि पुत्र थे। ऋषि तो सब तीर्थ से पाव भर बड़ा है, जाना पाव बोलते हैं। पहले तो रोड भी नहीं था, 30-35 साल से आ रहा हूँ मैं भी, अब तो भगवान चाहे अच्छा विकास हो गया, रोड वगैरह बन गया। इतनी मान्यता है, इतने लोग आ रहे हैं, तो ये सब तो जरूरी है कि यहाँ तक पहुंचा जा सके। क्योंकि जो पास में रहते हैं उनको तो पता है कैसे जाना है, जो दूर से आता है उसको शायद नहीं अंदाजा होता कि कैसे पहुंचा जाएगा। बाबजी से बात करें, जी जी जी, सब दूर के लोग आते हैं। जो रहती है किसी के बाल बच्चे की, किसी के नौकरी धंधे की, किसी के बाल बच्चे नहीं होते, किसी के नहीं जीते, तो उनकी मान्यता ही अंदर भोलेनाथ के हैं। मान संकल्प जो कर जाते हैं मानसिक मन में, फिर पूरा होता है, फिर दोबारा आते हैं।